आगे जयंत पाटिल, जयंत पाटिल, ठीक है, जयंत पाटिल वैसे तो अजीत पवार के विरोधी माने जाते हैं एनसीपी में, और ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आप, चूंकि अजीत पवार की इस तरीके से एंट्री हुई है दोबारा, तो उनको शायद उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता बनाए गए थे, लेकिन जयंत पाटिल को वो मौका नहीं मिला। इसीलिए लगता है कि अभी भी परिवार में, ये राजनीति में एक कहावत है, परिवार लड़े तो ठीक है, उस लड़ाई में बाकी किसी को नहीं उतरना चाहिए, वरना नुकसान हो जाता है। बिल्कुल, जयंत पाटिल इस बात को समझ गए और अजीत पवार को मनाने में लग गए थे। हालांकि इनके पिता कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, और एक जमाने में शरद पवार के विरोधी गुट में हुआ करते थे, लेकिन शरद पवार ने एनसीपी बनाई तब इनके जैसे यंग लोगों को साथ में लेकर उन्होंने एनसीपी बनाई। बिल्कुल, सांगली के इस्लामपुर चुनाव क्षेत्र से जीत कर आते हैं और 1990 से लगातार जीत कर आ रहे हैं। और जब विधायक दल के नेता की पदवी छिन गई थी अजीत पवार की, तो थोड़े समय के लिए इनको दे दी गई थी। अभी भी वो अभी भी वोट कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये, लेकिन पूरी तरह से शरद पवार ने क्यों नहीं इनको विधायक दल की पूरी जिम्मेदारी? मैंने आपको कहा ना कि परिवार की लड़ाई होती है, उसमें बाकी किसी को नहीं पड़ना चाहिए। शरद पवार ने बाद में कहा था कि कार्रवाई की जाएगी अजीत पवार, तो कार्रवाई आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई की, कि पहली बार मंत्रिमंडल हो रहा है उसमें अजीत पवार को नहीं लिया गया। हालांकि कोशिश अभी भी चल रही है कि अजीत पवार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन जयंत तो अजीत पवार के लिए भी बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट नहीं होता? 4 दिन पहले बीजेपी के साथ शपथ ले रहे हैं, उसके तुरंत बाद आ जाएंगे यहाँ पर, तो उनके लिए तो ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा रोहित, ये बड़ा दिलचस्प है, अजीत पवार को वापस ले आने में जयंत पाटिल की बहुत बड़ी भूमिका है। ये नेता पहले थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं, अजीत पवार को मनाकर वापस लाने की हमको कोशिश करनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, एनसीपी का पॉलिटिक्स हमेशा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है, इमोशंस अलग, शिवसेना इमोशनल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल राजनीति में कहीं भी इमोशंस नहीं चलते हैं, ये एनसीपी भले बात ही जानती है। उनको मालूम था कि अजीत पवार भले ही गलती कर चुके हो, लेकिन आज भी विधायकों में उनकी एक अपनी पहुंच है, भले ही आज विधायक उनके साथ में। देखा भी किस तरह से अजीत दादा आई लव यू इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ कार्यकर्ता, इसीलिए जयंत पाटिल ने पहल की और नेताओं को बताया कि नहीं, हमको कोशिश करनी चाहिए, अजीत पवार के पास जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, रिझाना चाहिए और वापस ले आ जाना चाहिए, तभी देवेंद्र फडणवीस का भी इस्तीफा आएगा। और ये तभी हो पाया जब जयंत पाटिल फिर छगन भुजबल इन लोगों ने जाकर वहां पर लोगों और अजीत पवार। अगर लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।